हम बात कर रहे हैं जोमैटो की। आज के दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट हमको फिलहाल स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। हम देख सकते हैं इस गिरावट के साथ स्टॉक जो है 258.38 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। 280 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया, गिरावट आई 248-250 के आसपास से जंप आया, बाउंस बैक किया लेकिन अपने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया। अगेन रिजेक्शन के साथ गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जहाँ स्टॉक ट्रेड कर रहा है 258-260 का लेवल, इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है और मेजर सपोर्ट है जोमैटो के लिए। जोमैटो को 260 के ऊपर ही सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा, 260 के ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा और बड़ी तेज़ी के लिए अपने रिसेंट हाई के ब्रेकआउट के लिए। अब देख सकते हैं स्टॉक में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब और गिरावट आती है तो नीचे की ओर 255 इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन गया तो 250 और जो आखिरी सपोर्ट रहेगा 240 का लेवल रहेगा। जब तक जोमैटो 240 के ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस बनते नज़र आ रहे। तो अब यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी, हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए नज़र आ सकती है। इसलिए हमको अब थोड़ा सा इंतज़ार करना है फ्रेश बाइंग को। स्टॉक को बाउंस बैक करके एटलीस्ट ये जो इसका हाई है, ये जो रेड कैंडल है 260-264 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन होने देते हैं 2 से 3 दिन। अगर सस्टेन होता है स्टॉक 264 के ऊपर, ये जो इसका कैंडल है हाई दिख रहा है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर वैसे कंडीशन में रिवर्सल दिखा सकता है, रिकवरी दिखा सकता है। नहीं तो यहाँ आप थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, फिर नीचे की ओर मौका बन सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।